आजाद कश्मीर के जिला जेलम वैली और जिला बाग के संगम पर वाकया गंगा चोटी जो सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट बुलंदी पर वाकया है, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान आजाद कश्मीर और दुनिया भर से यहाँ पे सयाह आए हुए हैं। यहाँ पे विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल जारी है जिसका आज इख्तिताम हो रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो खेलों के मजारे वो भी पेश किए गए हैं। हम आगे चल के मजीद लोगों से बात करेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, तो हमारे साथ रहिएगा। I'm Sumbal here from Emirat Group of Company Islamabad। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया कि हम एक अच्छा इवेंट एंजॉय कर सके और ये जन्नत देख सके, क्योंकि इससे पहले हम कभी भी कश्मीर नहीं आए। जहाँ तक रही बात हॉस्पिटैलिटी की, तो नो डाउट आप लोगों के लोग यहाँ के कश्मीर के लोगों को मैंने देखा बहुत डाउन टू अर्थ है, और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है कि हमें फील ही नहीं हो रहा कि हम इस्लामाबाद से कश्मीर आए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहीं के रहने वाले हैं। इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग पहली दफा आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोगों ने हम लोग की इतनी अच्छी तरह से इन्होंने हम लोग की खातिर नवाजी की है। मेहमान नवाज यहाँ पे लोग हैं और प्लस ये फेस्टिवल इतना अच्छा जा रहा है, सारी यूथ के लिए इतने अच्छे है, यूथ के लिए इतनी अच्छी एग्जांपल है कि दुनिया में लोग जहाँ भी है, जहाँ भी यूथ काम कर रही है, उन सबको यहाँ पे आके देखना चाहिए और इन सबकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम एक साथ सब मिलके एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। फेस्टिवल पे यहाँ के आप यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा है और ये एक बड़ी खूबसूरत जगह है। आजाद कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह है गंगा चोटी। यहाँ पे पाकिस्तान से इंटरनेशनल एथलीट्स भी आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है आज, क्योंकि फेस्टिवल का लास्ट डे है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं बड़े दूर दूर से। आजाद कश्मीर में अगर देखा जाए तो गंगा चोटी सबसे खूबसूरत मकाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माइदा हाशमी है और मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, और कश्मीर मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और बेसिकली ये जो इवेंट है स्पोर्ट्स इवेंट, ये हमारी कंपनी फिर डेवलपर स्पॉन्सर कर रही है, उसी की वजह से हम यहाँ आए हैं। और अब हमें इतनी ब्यूटी अट्रैक्ट की है कश्मीर की कि अब हमारा बार बार आने को दिल करेगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टू बीएस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बाघ टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिक्स की कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है और बाघ में फर्स्ट टाइम वुमेन्स की तरफ से स्की में उन्हें पार्टिसिपेशन हुई है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्हें वुमेन्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया, और ये आपको एक चीज प्रमोट हो रही है। आप देखेंगे बाकी एरियाज में भी वुमेन स्कीज में इंटरनेशनल लेवल तक भी जाती है, और अभी तक हमारी बाकी वैसे कोई प्रॉपर टीम नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने हमें करवाया और बहुत ही अच्छे से करवाया, और फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था और हमें बहुत ज्यादा मजा आया। मेरा तो अब यह है कि मैं कहती हूँ कि मैं अभी ये जो हमारा था कुछ देर का था हमारा कैंप, ये इनहेंस हो गया, हमारा वर्क होता तो हम ज्यादा इंजॉय करते हैं। चीज की आप कमी देख रही है, इंतजामिया की तरफ से बहुत मसला हुआ है और इस्लामी की तरफ से काफी कमी हुई है, लेकिन टीम की तरफ से हमें काफी सपोर्ट थी, काफी उन्होंने मेहनत की है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से काफी कमी यहाँ पे महसूस हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वैसी फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है जिस लास्ट ईयर में काफी मसले भी हुए हैं, गाड़ियाँ भी कभी टाइम पे होती है कभी नहीं होती, लेकिन ओवरऑल सब बहुत अच्छा था, यानी टीम की जो कोऑपरेशन थी उसकी वजह से बहुत मजा आया। इकरा औरंगजेब है, मैं यहाँ बाघ आजाद कश्मीर की हूँ मैन, और मैं वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की। इस बार मुझे एक ग्रुप में मैसेज आया था कि अगर कोई इंटरेस्टेड है मतलब यहाँ पे स्नोबोर्डिंग करने के लिए या स्कीज करने के लिए, तो मैं स्नोबोर्डिंग के लिए इंटरेस्टिंग थी। मैंने कल 10 मिनट्स के अंदर ये सीखा है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने सेकंड पोजीशन हासिल किया इसमें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी लड़कियां भी आए और यहाँ पे विन करके जाएंगे कॉम्पिटिशन।